ये ड्राइव और ये मैनुअल मोड है। आप जब भी मैनुअल मोड में चलाना चाहते हैं, पहले तो आपको ब्रेक को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेने के बाद आपको यहाँ पर मैनुअल, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लाके यहाँ पर मैनुअल को दे देना है। देखिए मैनुअल यहाँ पर है। ये मैनुअल होने के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे लाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वन गियर है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वन गियर हो गया। ये वन गियर देखिए, मैं गाड़ी को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। देखिए धीरे धीरे छोड़ने के बाद एक्सीलेटर दबाने से देखिए गाड़ी आगे बढ़ रहा है। और आपको स्पीड चाहिए देखिए, और आपको फिर एक बार प्रेस कर लेना है। देखिए चलेगा, और जब भी गाड़ी 20 किलोमीटर के आसपास चलेगा, ये लगभग 5 4 5 किलोमीटर के स्पीड में चल रहा है। और जब भी ये देखिए धीरे धीरे गाड़ी आगे जा रहा है, और जब भी आप 20 किलोमीटर के ऊपर चलेंगे तब फिर आपको ये प्लस थोड़ा प्लस प्लस करते जाना है, और जब भी आपको माइनस करना है तो आपको माइनस माइनस करते जाना है, और यहाँ पे प्लस प्लस करते जाना है। इस तरह से गियर चेंज होता जाएगा। ये है मैनुअल मोड और ये है ड्राइव मोड। आपको यहाँ से दे देंगे, ये ड्राइव मोड है। देखिए यहाँ पर आपको जब भी डी नजर आ रहा होगा, यानी कि ये ड्राइव मोड पे है। ये है ड्राइव मोड देखिए, और यहाँ पर ड्राइव मोड है, और मैं उसको मैनुअल पे कर दूंगा। देखिए ये देखिए, ये है मैनुअल मोड। मैं मैनुअल मोड पे कर लिया हूँ। देखिए मैनुअल यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है मैनुअल, यानी कि M लिखा आ रहा है। ये मैनुअल है, और मैं ड्राइव मोड पे करता हूँ। देखिए ये ड्राइव मोड हो गया, देखिए ये मैनुअल हो गया। इस तरह से आप भी देख के गाड़ी को चला सकते हैं, मैनुअल और ड्राइव मोड। बहुत ही आसान तरीका है ये मारुति सुजुकी सिलेरियो ऑटोमेटिक कार चलाना। बहुत ही आसान होता है, इस तरह से आप चला सकते हैं।